हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं स्टडी टाइम टेबल उन लोगों के लिए जिनको ड्रॉप लगा है और वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं और उनको 6 से 7 सब्जेक्ट क्लियर करना है दिसंबर से जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए। ये जो स्टडी टाइम टेबल है वो इस तरह से बना है कि हर सब्जेक्ट को 150 आवर्स तक मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे, कम आवर्स देंगे पढ़ने के लिए पर डे, तो होगा क्या, कम आवर्स मिलेंगे। लेकिन 100 to 150 आवर्स अगर आप कोई सब्जेक्ट को देते हैं तो उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो फोकस है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पेपर, जब से पोर्शन चेंज हुआ है तब के क्वेश्चन पेपर्स को रिव्यू करना है, या एटलीस्ट 10 पेपर्स को रिव्यू करना है और उसे अपने चैप्टर्स पे थ्योरी और प्रॉब्लम्स में मार्क करना है और उन प्रॉब्लम्स और उन थ्योरी को ज्यादातर देखना है और फर्स्ट राउंड में सिर्फ उसी को पढ़ना है। तो जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट राउंड जब आपका हो जाएगा तो एटलीस्ट आपका पासिंग जो है उस सब्जेक्ट का वो एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में जब सेकंड राउंड वो सब्जेक्ट को फिर से लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन जो छूट चुके थे उसको भी हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। तो आपका स्टडी टाइम टेबल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपको 4 आवर्स पढ़ना है, लंच के ब्रेक के बाद ओके, फिर आपको 4 घंटे पढ़ना है और शाम के चाय नाश्ते के बाद 2 आवर्स पढ़ना है। तो टोटल अगर फर्स्ट सब्जेक्ट अगर हम लोग ये संडे जो आने वाला है उसमें शुरू करते हैं और समझो S1 को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ S1, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता हूं और संडे को पढ़ता है वो स्टूडेंट ओके, तो संडे को पढ़ता है, मंडे को पढ़ता है, ट्यूजडे को पढ़ता है, तो मॉर्निंग हाफ में उसने 4 आवर्स संडे को पढ़ा, 4 आवर्स मंडे को पढ़ा और 4 आवर्स ट्यूजडे को पढ़ा, तो होगा क्या, 3 दिन में वो सब्जेक्ट को वो 12 घंटे दे सकता है। और सेकेंड हाफ में यानी समझो 2 बजे के बाद उसने पढ़ाई फिर से चालू किया 2 से 6, तो फिर 4 घंटे हैं, तो उसने दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लिया जो वो चाहता है, तो वो सब्जेक्ट को उसने 4 घंटे पढ़ा, संडे को पढ़ा, मंडे को पढ़ा, ट्यूजडे को पढ़ा, तो होगा क्या, 12 घंटे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी 12 घंटे पढ़ चुका है। और क्योंकि ये फर्स्ट वीक है तो कोई 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो वो पढ़ चुका है उसको वो 2 घंटे क्या कर सकता है, फिर से रिवाइज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल S6 और S7, फॉर एग्जांपल अगर 7 KTs हैं, 7 के प्रिपरेशन करना है, तो S6 और S7 कोई भी सब्जेक्ट का अगर हम लोग S6 और S7 उसे कहते हैं तो उसका क्या कर सकता है, वो रिविजन कर सकता है। अब जब ये 3 दिन खत्म हो गए उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। सो संडे मंडे ट्यूजडे हो गया, तो अभी वेनसडे थर्सडे फ्राइडे अब क्या करेगा, वो 3rd सब्जेक्ट लेगा और उसको 3 दिन मॉर्निंग सेशन में पढ़ेगा और वैसे ही वो S4 लेगा और आफ्टरनून सेशन में 4-4 घंटे उसको पढ़ेगा, ठीक है। सो संडे मंडे ट्यूजडे जो है वो पढ़ने वाला है S1 और S2, और जब ये हो जाता है तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे वो S3 और S4 पढ़ेगा। अब होगा क्या, जो इवनिंग का टाइम है उसके अंदर वो क्या करेगा, S1 और S2 जो के फर्स्ट 3 डेज में उसने पढ़ा था उसको क्या करेगा, रिवाइज करेगा। अगर यही साइकिल वो फॉलो करता रहा तो होगा क्या, जब 3 वीक्स गुजर जाएंगे तो 3 वीक्स गुजरने के बाद हर एक सब्जेक्ट को वो 30 आवर्स दे पाएगा। हर एक सब्जेक्ट को अगर वो 30 आवर्स 3 वीक्स में दे सकता है, तो हमने स्टार्ट में बात की थी कि दिसंबर में एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लगभग 15 से 16 वीक उसके पास हैं। इसका मतलब अगर ये 3 वीक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 15, मतलब 15 वीक्स में, क्योंकि 30 आवर्स 3 वीक्स में था, तो 15 वीक्स में क्या हो जाएगा, उसके पास 150 आवर्स हो जाएगा पर सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब उसने 150 आवर्स दिया है पर सब्जेक्ट को अगर ये टाइम टेबल को वो फॉलो करेगा तो उसके हिसाब से उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। बट जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर फोकस रखना है फर्स्ट राउंड में एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरी में और प्रॉब्लम्स में उसके ऊपर, और उसके बाद में जब फिर से फर्स्ट चैप्टर से फिर से शुरुआत होती है तो बाकी जो चीजें बच गई है उसको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ने में, ये जो मैंने बताया है कि शाम के नाश्ते के बाद क्या करना है, रिविजन करना है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिविजन का टाइम आपने नहीं दिया तो होगा क्या, आपने जो भी पढ़ा है वो डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। इसका मतलब आपका जो पढ़ना है वो एक तरह से खराब हो जाएगा, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा और उसका कोई भी यूज नहीं होने वाला, क्योंकि आप वो भूल चुके होंगे जब आप फिर से वो चैप्टर की तरफ या उस सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। तो 4 घंटे मॉर्निंग में, 4 घंटे आफ्टरनून में और शाम के ब्रेक के बाद 2 घंटे रिविजन बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, ये अगर फॉलो करेंगे तो आपको 150 आवर्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपने कुछ भी इसमें कम किया
आपके नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने का कम किया तो होगा क्या, नंबर ऑफ आवर्स है टोटल जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन आपको 100 से 150 आवर्स एक सब्जेक्ट को देने हैं फोकस्ड, और अच्छे तरह से पढ़िए। होपफुली आपको ये स्टडी टाइम टेबल ठीक लगा।